يلا गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्रीकल्चर गुरु जी में। एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर में अपनी ये तीसरी क्लास है एग्रीकल्चर की, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। ठीक है, जो पिछली बार जो अपन ने पढ़ा था वो है अपना स्टोर ग्रेन पेस्ट। ठीक है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार स्टोर्ड फूड यानी कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं, राइस, पल्सेस यानी दालें, बहुत सारे वीट वगैरह जो होते हैं उनको कैसे ख़राब करते हैं इंसेक्ट, ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के टाइप भी हैं, जैसे पहला है प्राइमरी पेस्ट एंड सेकेंड है सेकेंडरी पेस्ट। ठीक है, प्राइमरी पेस्ट का मतलब है कि जो फर्स्ट बार अटैक करे, फर्स्ट अटैक एंड डैमेज, फर्स्ट अटैक एंड डैमेज। सेकेंडरी पेस्ट से है कि अटैक कब करेगा ये, जब डैमेज सीड पर, जिस पर फर्स्ट अटैक हो चुका है और डैमेज हो चुका है, उसके बाद जो दूसरा जो डैमेज सीड बचा हुआ है उस पर डैमेज सीड पर ये कहा गया डैमेज सीड, अटैक ऑन डैमेज्ड सीड। किसी के भी सीड हो सकते हैं, जैसे ग्रेन हो सकते हैं, सीड या ग्रेन। ठीक है, सीड ना बोल के ग्रेन बोलो ज़्यादा अच्छा है। तो जो एक बार उस पर अटैक हो चुका है, वो थोड़ा डैमेज हो चुका है सीड, उस पर दोबारा अटैक करना यानी कि अटैक होने वाले पर अटैक, बीमारी पर बीमारी, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पेस्ट। हुआ है जो पहले से डैमेज सीड पर अटैक करते हैं, यह है सेकेंडरी पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है तुमसे सबसे ज़्यादा सेकेंडरी पेस्ट। ठीक है, क्या पूछा जाता है, सेकेंडरी पेस्ट बोल पूछा जाता है, या फिर दे देंगे विचार विच इज अ सेकेंडरी पेस्ट, यानी इनमें से निम्न में से कौन सा सेकेंडरी या द्वितीयक पीड़क है, तो वो तीन प्राइमरी पेस्ट देंगे और अपने सेकेंडरी पेस्ट पूछेंगे, उसमें से एक सेकेंडरी पेस्ट होगा। तो ज़्यादातर जो प्राइमरी सेकेंडरी पेस्ट है मैं बता देता हूँ, एक है अपना रेड फ्लोर बीटल। ठीक है, रेड फ्लोर बीटल, रेड फ्लोर बीटल का नाम तुम्हें पता होगा, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, ये अपना सेकेंडरी पेस्ट है। इसके अलावा एक है जो कि फ्रूट या इसमें हॉर्टिकल्चर में है, आलमंड मॉथ, या इसको अपन बोलते हैं फिग मॉथ, या इसको बोलते हैं वेयर हाउस मॉथ। ठीक है, इसको बोला जाता है वेयर हाउस मॉथ, इसका नाम है एपेस्टिया, एपेस्टिसिया कोटेला, ये भी क्या है अपना फिग मॉथ, आलमंड मॉथ, वेयर हाउस मॉथ, ये भी क्या है सेकेंडरी पेस्ट है, सेकेंडरी में अटैक करता है ये। ठीक, एक है अपना राइस मॉथ, इसको बोलते हैं अपन कोर्साइरा सिपेलोनिका, कल इनके बारे में बताया था लास्ट में, याद रखना राइस मॉथ भी क्या होता है, सेकेंडरी अटैक करता है। इसके अलावा दो के कॉमन नाम याद कर लो, इतने सारे नाम जो जूलॉजी बोटनी वाले हैं उनसे नहीं हो पाएंगे, तो एक है अपना लॉन्ग सो टूथेड, सॉरी एक एक सा टूटेड ग्रैंड मॉथ। ठीक है, सो टूटेड ग्रैंड मॉथ है, इसका मतलब इसका जो मुंह है, इसके जो माउथ पार्ट हैं वो आरी के समान होते हैं, इसको अपन बोलते हैं सो टूटेड ग्रैंड मॉथ। ठीक है, तो ये अपने पास
तीन चार ही याद कर लेना सेकेंडरी पेस्ट, अगर इनमें से आ जाए तो ये सेकेंडरी पेस्ट है। इसके अलावा प्राइमरी पेस्ट तुम्हें पता है, जैसे कि प्राइमरी पेस्ट में अपन राइस विविल ले लेंगे, राइस विविल ले लेंगे, राइस विविल का नाम है सीटोफिलस सीटोफिलस ओराइजी, ठीक है, ये राइस विविल है क्योंकि इसमें पीछे ओराइजी लगा हुआ है, ओराइजी ओराइजा सेटाइवा चावल का नाम है। अगर मान लो मेज हो तो सीटोफिलस मेजी, सीटोफिलस ग्रेनेरियम अगर वीट हो तो अलग अलग प्रकार के विविल होते हैं। इसके अलावा अपने पास आ जाएगा पल्स बीटल, जो कल बताया था पल्स बीटल भी, नाम सब पहले बता चुका हूँ मैं, पल्स बीटल भी याद रख लेना। इसके अलावा एक नेपाल लेज़र ग्रेन बोरर, ठीक है, लेज़र ग्रेन बोरर, राइजोप्रता डोमिनिका, ये भी इसमें आएगा। इसके अलावा अपने पास और पल्स बीटल आ गया, लेज़र ग्रेन बोरर आ गया, राइस विविल आ गया है, ठीक है। तो ये जनरली कल जो बताए थे इनको छोड़ देना, और बाकी जो ये कल बताए थे मैंने प्राइमरी पेस्ट में आ जाएंगे, सेकेंडरी पेस्ट याद कर लेना, ठीक है। तो प्राइमरी पेस्ट और सेकेंडरी पेस्ट में इतना सा अंतर है कि जो अपने पास फर्स्ट अटैक करेंगे स्टोर ग्रेन फूड पे या स्टोर ग्रेन्स पे, वो क्या रहेगा, वो अपना रहेगा प्राइमरी पेस्ट। और जो सेकेंडरी अटैक करेगा, और वो मतलब अटैक जो हो चुके हैं उस सीड पर अपना क्या करेगा, अटैक करेगा दोबारा, तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेस्ट और हैं, जैसे कि मान लो मैं बताऊँ आपको, वो भी सेकेंडरी में आते हैं, वो भी किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, मतलब जहाँ पर पहले डैमेज हो चुका है वहाँ पर ही आएंगे, जहाँ पर डैमेज हो चुका है इनको अपन बोलेंगे, जैसे कि स्टोर ग्रेन पेस्ट तो नहीं बोलेंगे, जैसे कुछ पेस्ट है उनके मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, वो अलग हैं, ग्रेन्स नहीं है, वो हॉर्टिकल्चर में जो है पेस्ट है, हॉर्टिकल्चर के कुछ पेस्ट है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के पेस्ट भी पूछ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब सब्जियों पर, फलों पर, ठीक है, सब्जी फलों पर, इन पर जो और जो अटैक करते हैं उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरल पेस्ट। उनमें से स्टोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टोर्ड वाले में जो पोटैटो होता है उस पर एक मौत लगता है जिसको बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर मौत, इसको बोलते हैं अपन थोरमिया, थोरेमिया ओपर कुलेला, एक पोटैटो ट्यूबर मौत होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं थोरेमिया। तो ये जब अपन पोटैटो को स्टोर करते हैं जैसे आलमंड या फिग या फिर वेरा होस, तो आलमंड या फिग यानी अंजीर में इनमें लगता था, और पोटैटो ट्यूबर मौत है तो ये किस में लगेगा, ये लगेगा अपने पोटैटो में, अगर पोटैटो स्टोर कर रखें तो उसमें लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जो हॉर्टिकल्चर और अपने पास जैसे कि अपन ने बात करी पोटैटो में, तो पोटैटो ट्यूबर मौत है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एप्पल में, ठीक है, हुडी पेस्ट, ठीक है, एप्पल हुडी पेस्ट है, तो ये भी एप्पल में अटैक करता है बाद में, ठीक है। तो ऐसे बाकी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, न्यूमरस जो अटैक करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब कुछ याद करना इतना संभव ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर वाले उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो बॉटनी जूलॉजी वाले उन्होंने स्टोर ग्रेन पेस्ट नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टोर ग्रेन पेस्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो स्टोर ग्रेन पेस्ट के अलावा जो सेकेंड में दे रखा है रोडेंट्स, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोडेंट्स भी तुम्हारे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रोडेंट्स मेमेलिया में आते हैं, मेमेलिया में 16 ऑर्डर है, उसमें से रोडेंशिया एक ऑर्डर है, रोडेंशिया मतलब जो कुतर के खाते हैं वो वाले जीव उसमें आएंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी बोटनी की, इसके बाद तो वहाँ मेमेलिया और रोडेंट्स वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेमेलिया छूटा हुआ है तुम्हारा एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो मेमेलिया रोडेंशिया भी किस में आते हैं, मेमेलिया में आते हैं, तो रोडेंशिया का पूरा वहाँ पर जो वर्णन कर लेंगे वहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है तुम्हारा एलिमेंट्री बोटनी,
ठीक है, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, सॉरी एलिमेंट्री एंटेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट है। तो ये एलिमेंट्री शब्द इसलिए लगाया कि तुम्हें इंसेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए सुपरफिशियली, ठीक है। अंदर ज़्यादा जाओगे तो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बॉटनी जूलॉजी जो भी है, अंदर तो बहुत सारा डीप है, लेकिन तुम्हें उनके इंसेक्ट के बारे में अंदर से बाहर से मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वगैरह ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्री बॉटनी में देखो, किसी भी इंसेक्ट में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। मैं थोड़ा सा इंसेक्ट के सिस्टम पर सिस्टम पढ़ा देता हूँ, इंसेक्ट के सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे अपने अंदर सिस्टम है वैसे ही। तो इंसेक्ट के बारे में नॉलेज होना, इंसेक्ट के बारे में मतलब इंसेक्ट के नाम याद होने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर पूछा जा सकता है अंदर और बाहर से क्वेश्चन की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से। तो मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा अपने जैसे एंटीनी के टाइप, लेग के टाइप, लेग की स्ट्रक्चर, एंटीनी की स्ट्रक्चर, मोज़ेक जो उसके आइज हैं यानी कंपाउंड आइज वगैरह वो सब आ जाएंगे, उनके विंग्स के टाइप आ जाते हैं, लार्वा के टाइप आ जाते हैं, अलग अलग ऑर्डर आ जाते हैं। उसके अलावा ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही, इसके अलावा उनके जो सिस्टम्स हैं यानी एनाटॉमी, अंदर से जो फिजियोलॉजी हो रही है वो याद रखना सिस्टम्स में आएगी, और इंसेक्ट के सिस्टम अपन को याद करने हैं सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। तो ठीक है, इंसेक्ट का देखो, इंसेक्ट में क्या होता है एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट क्या है, इंसेक्ट जो खाकर किसी भी चीज़ को डैमेज करके नुकसान करता है, तो खाने वाला जो सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला सिस्टम है उसका वो अपन लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना, इंसेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ये, ठीक। तो ये मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये क्या है, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल का मतलब होता है, एलिमेंट्री केनाल मतलब कि आहार नाल है, ये अपनी इंसेक्ट की आहार नाल हो गई। आहार नाल मतलब, आहार नाल क्या होता है, एक ट्रैक होता है जिसमें यहाँ से क्या होता है फूड एंटर होता है, जिसको बोलते हैं माउथ, ठीक है, ये माउथ बोलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊँगा, और इसके अलावा यहाँ पर होता है एनस, यहाँ से भोजन त्याग दिया जाता है पचाकर। तो माउथ और एनस तक की जो लाइन है, जो ट्यूब है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ चीज़ें जुड़ी होती है, ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें जुड़ी होती है, इनमें सलाइवा भरा होता है यानी कि लार भरी होती है, सलाइवा भरा होता है। तो ये वन पेयर ऑफ क्या है, वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये इसकी लार ग्रंथियां हैं। इसके अलावा माउथ है, माउथ पर यहाँ पर एक रिंग पाई जाती, ठीक है, ये रिंग ब्रेन रिंग कहलाती है, इसलिए दिखा दिया ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर जो माउथ से ओपनिंग होगी, माउथ के बाद अपने पास आ जाएगी बकल कैविटी, ठीक है, यहाँ पर बकल कैविटी पाई जाती है। बकल कैविटी के बाद ये जो सकरी सी नलिका है इसको बोलते हैं फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और इसके बाद लंबी सी नलिका है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो वो तुमसे डाइजेस्टिव ट्रैक का सीक्वेंस ही पूछ सकते हैं। तो पहले सबसे पहले माउथ आएगा, फिर बकल कैविटी, और फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। ये ईसोफेगस यानी ग्रास नाल ये आगे जाकर ऐसे बहुत मोटी फूल जाती है, ये ग्रास नाल यानी कि ईसोफेगस आगे जाकर स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है, यहाँ पर जो इंसेक्ट ज़्यादा खा लेते हैं तो फूड का स्टोरेज होता है, और फूड के स्टोरेज को इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। इस मोटे फूले हुए भाग को क्रॉप बोलते हैं, क्रॉप को बोलते हैं अपन यहाँ पर अन्नपुट, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, अन्नपुट मतलब
ऐसी ऐसी स्थिति है यहाँ पर, ऐसी जो संरचना है जो कि फूल गई है, जिसको अपन बोलेंगे क्रॉप या अन्नपुट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर पूरी आहार नाल को यानी एलिमेंट्री कैनाल को अपन ने तीन भागों में डिवाइड कर लिया है, तीन भागों में डिवाइड कर लिया। इनके नाम भी पूछते हैं। पूरी गट गट मतलब आहार नाल को तीन भागों में डिवाइड कर लिया है। अग्र भाग जिसको बोलते हैं फोर गट, जो मिड वाला भाग है उसको बोलते हैं मिड गट, और जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंड गट। ठीक है, हाइंड गट, मिड गट, फोर गट। फोर गट को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्टोमोडियम, इसको बोला जाता है स्टोमोडियम। मिड गट को बोलते हैं मिजेंट्रॉन, इसको बोलते हैं अपने पास प्रोक्टोडियम। ठीक है, प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम, मिजेंट्रॉन और स्टोमोडियम। अब देखो माउथ से लेकर यहाँ तक ईसोफेगस तक, माउथ से लेकर ईसोफेगस तक क्या पाया जाता है, माउथ से लेकर ईसोफेगस। तो स्टोमेडियम कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसमें आ जाएगा माउथ आ जाएगा। ठीक है, बकल कैविटी आ जाएगी, बकल कैविटी आ जाएगी। इसके अलावा, बकल कैविटी के अलावा इसमें आ जाएगा, इसके बाद फेरिंग्स आ जाएगी, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आ जाएगी। ठीक, ईसोफेगस यानी कि क्रॉप, आगे जाके ईसोफेगस फूल जाती है, इसको क्या बोलते हैं क्रॉप। तो माउथ से लेकर क्रॉप तक का एरिया किसमें आता है, पूरा स्टोमोडियम यानी फोर गट में आता है। ठीक है, इसके अलावा मिजेंट्रोन, देखो मिजेंट्रोन में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे आठ लंबी नलिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर, जैसे ही ईसोफेगस ये क्रॉप खत्म होगा वहाँ इस जंक्शन से और आगे वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है हिपेटिक सीके, इनको बोलते हैं हिपेटिक सीके, जिनकी संख्या होती है आठ, यानी एट हिपेटिक सीके। हिपेटिक का मतलब होता है एकृतीय सीका, एकृतीय सीका होता है। इसके अलावा देखो, तो इनको बोल दिया है ये आठ हिपेटिक सीके हैं, एट हिपेटिक सीके या एकृतीय सीका, आठ नलिका है जो कि एकृतीय सीका कहलाती है। ठीक है, माउथ से लेकर ये वाला पार्ट ईसोफेगस यानी क्रॉप तक का पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना फोरगट। और क्रॉप का काम क्या है, भोजन का इकट्ठा करना, फूड स्टोरेज करना, इसका काम है क्रॉप का, अन्नपुट का। इसके अलावा जहाँ से ये क्रॉप ख़त्म होता है और जहाँ से ये स्टार्ट होती है, कौन, जहाँ से मिजेंट्रॉन स्टार्ट होती है उस जंक्शन पे, यानी क्रॉप ख़त्म हो रहा है यानी फर्स्ट पार्ट फोरगट ख़त्म हो रही है और क्या स्टार्ट हो रही है, मिजेंट्रॉन यानी कि मिड गट स्टार्ट हो रही है, उसके जंक्शन पर क्या पाई जाती है, आठ हिपेटिक सिकाएँ पाई जाती है। और हिपेटिक सिका का जो वर्क है या फंक्शन है वो क्या है, ये करती है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस में क्या होते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, पेप्सिन, ये बहुत प्रकार के एंजाइम, मतलब ये पूर्ण पाचक रस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो ये अपना ये फंक्शन इसका है, किसका, एट हिपेटिक सिकाओं का, और ये इसमें भरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ से निकल कर ये इस वाले पार्ट में आता है और आगे भी चला जाता है। इसकी जो मूवमेंट होती है क्रॉप तक होती है और अंदर भी होती है। ठीक है, क्रॉप तक मूवमेंट होती है और अंदर तक होती है। और यहाँ से जो, अगर कोई पूछे कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने वाली जो कि हिपेटिक सीके हैं वो किस किस गट में आती है, तो इसको अपन मान चुके हैं कि मिड गट और फोर गट के जंक्शन पे। लेकिन अगर फिर भी कोई पूछे तो हिपेटिक सीकाएँ किस में आती है, हिपेटिक सीके आती है मेजेंट्रोन में, और मेजेंट्रोन का जो फर्स्ट पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं कार्डिया। ठीक है, कार्डिया बोलते हैं। तो कार्डिया भाग से यानी कार्डिया
कार्डिया के जंक्शन से क्या निकलती है, हिपेटिक सिकाएँ निकलती है। तो हिपेटिक सिके का ओरिजिन जो होता है वो कार्डिया वाला पार्ट होता है। कार्डिया पार्ट किसका है, फर्स्ट पार्ट ऑफ मेसेंट्रोन। इसके अलावा ये सारी मेसेंट्रोन है, यहाँ पर यहाँ से भोजन आएगा, थोड़ा सा डाइजेस्ट होकर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें चला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, मिडगट में याद रखना, मिडगट का एक और मेन फंक्शन है, इसमें हाईएस्ट पाथ डाइजेशन होता है, हाईएस्ट डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन किसमें होता है, इसमें होता है मिडगट में, सबसे ज़्यादा डाइजेशन किसमें होता है, मिडगट में। और एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा इसमें होता है, एब्जॉर्प्शन किसका, फूड का, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं, ठीक है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है और डाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो होता है मिडगट में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिडगट में सबसे ज़्यादा, यानी कि मेसेंट्रोन में ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा भोजन का डाइजेशन और भोजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन ऑफ फूड किस में होता है, मैक्सिमम मेसेंट्रोन में होता है। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या ख़त्म हो गई, ये मेसेंट्रोन ख़त्म हो गई। अब मेसेंट्रोन के बाद ये इतना वाला पार्ट क्या बचा है, ये इतना वाला पार्ट बचा है अपना हाइंडगट का, यानी प्रोक्टोडियम का पार्ट बचा है, ठीक है। अब मेसेंट्रोन, ये मेसेंट्रोन इधर है, ये हाइंडगट इधर है, तो इन दोनों के जंक्शन पर क्या पाई जाती है, 100 से 120 ट्यूबुल्स और पाई जाती है, जिनको बोलते हैं अपन, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा इससे। तो 100 से 120 जो ट्यूबुल्स पाई जाती है कहाँ पर, मिडगट और हाइंडगट के बीच में, इन 100 से 120 ट्यूबुल्स को अपन बोलते हैं मेल पिगी ट्यूबुल्स, इनको बोला जाता है मेल पिगी ट्यूबुल्स, ठीक है। ये मेल पिगी साइंटिस्ट ने बताई थी, और इनका काम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, एस्क्रीटरी सिस्टम का पार्ट। इसका मतलब ये एस्क्रीटरी कौन सा होता है, इनमें इंसेक्ट और बर्ड्स में मैंने बताया था यूरिक एसिड, तो ये क्या त्यागती है, यूरिक एसिड का एस्क्रेशन करती है, तो यूरिक एसिड को क्या करती है, बॉडी में से, यानी बॉडी कैविटी यानी बॉडी सिलोम से उठाती है और किस में डाल देती है, एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, डायरेक्ट बाहर नहीं खुलती है, ये कहाँ खुलती है, ये खुलती है एलिमेंट्री कैनाल के हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पर। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, डिस्टल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, केवल इतना याद रख लेना कि मेल पिगी ट्यूबुल्स को इंसेक्ट्स में या फिर किसी भी जितने भी आर्थ्रोपोडा है, लगभग सभी 70% तो उसमें इंसेक्ट है, उनमें मेल पिगी ट्यूबुल्स क्या है, मेल पिगी ट्यूबुल्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि क्या करती है, यूरिक एसिड को सिक्रेट करती है, यानी कि एक्सक्रीशन करने का काम करती है। इसके अलावा फिर देखो ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है अपना, ये अपना हाइंडगट है, हाइंडगट में जो याद रखना ये वाला पार्ट है, ये वाला इतना सा ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो इकट्ठा होता है रेक्टम, और इसके अलावा ये है अपना ईलियम, फर्स्ट पार्ट को इसको बोलते हैं ईलियम, ये है रेक्टम और इसको बोलते हैं अपन कोलोन। तो रेक्टम कोलोन और ईलियम, यानी ईलियम कोलोन रेक्टम किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक की, मिडगट यानी मिडगट के बाद आने वाली हाइंडगट के पार्ट हैं ईलियम। और इनमें क्या होता है हाइंडगट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइंडगट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कोलोम रेक्टम से होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो एनस होती है वहाँ पर 6 एनल पेपिली पाई जाती है, 6 एनल पेपिली। पेपिली का मतलब होता है, पेपिली का मतलब होता है कुछ स्किन के फोल्ड होते हैं जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को अलग करते हैं, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हैंडगट में होता है, तो और एनस से भोजन को त्याग दिया जाता है।
अगर बात करें इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब है ओमनीवोरस का मतलब है कि ये सभी खाते हैं, इनको बोलते हैं सर्वाहारी, यानी सब के सब खाते हैं मतलब। और अगर कार्निवोरस इंसेक्ट है, कार्निवोरस इसका मतलब ये क्या है, मांसाहारी, ठीक है, यानी कि मांस, यानी कि मांस खाएंगे, पूरा मीट फ्लेश खाएंगे। ओमनीवोरस सब खा सकते हैं। और एक है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब है कि ये शाकाहारी है, मतलब ये साग सब्जी फल फ्रूट या पत्तियां खाएंगे, इनको बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। तो ये वाला इंसेक्ट में, ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा सा याद कर लेना इंसेक्ट में, इनकी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट में देखो और क्या इम्पोर्टेंट बात है, इंसेक्ट में जो सेकंड सिस्टम पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब ब्लड वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ये ओपन टाइप का होता है, याद रखना, इंसेक्ट में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप का मतलब है इसका, इंसेक्ट में जो ब्लड होता है, इंसेक्ट में जो ब्लड होता है वो वेसल्स यानी धमनियां और सिराओं में नहीं भरता है, वो एक जगह भरा होता है, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप का। और इंसेक्ट में जो ब्लड जिसमें भरा होता है, सिलोम को बोलते हैं अपन हीमोसील बोलते हैं। और इसके ब्लड को, इंसेक्ट के ब्लड को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। जो कैसा होता है, जो होता है कलरलेस, इसको बोलते हैं कलरलेस ब्लड, हीमोलिम्प को बोलते हैं कलरलेस, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और इसमें आरबीसी तो एब्सेंट रहेगी, क्योंकि नॉन कोर्डेटा, सभी नॉन कोर्डेटा में आरबीसी एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट है। और हीमोलिम्प में एक शुगर पाई जाती है, इंसेक्ट के ब्लड में एक शुगर होती है, उसको बोलते हैं ट्रीहेलोज शुगर, जो कि एक डाइसेकेराइड का उदाहरण है, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल ट्रीहेलोज शुगर, ठीक है। तो इंसेक्ट में, इंसेक्ट का ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, जिसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। इसमें हर्ट होता है, लेकिन वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, इसलिए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में मदद नहीं करता है। इसके अलावा बात करें, इसके कुछ स्पेशल टाइप की, जैसे कि ग्लैंड्स होती है, जो जैसे कि कोलेट्रियल ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड को अपन बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड, कुछ स्पेशल ग्लैंड है मैं बता देता हूँ, यूरिकोस ग्लैंड भी आता है। देखो, जो फेलिक ग्लैंड होती है और यूट्रिकुलर ग्लैंड होती है, यूट्रिकुलर ग्लैंड को ही अपन बोलते हैं मशरूम ग्लैंड होती है, ठीक है। और फेलिक ग्लैंड को अपन बोलते हैं कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड। ये इंसेक्ट में होती है। यूरिकोस ग्लैंड ये केवल मेल में, यानी मेल कॉकरोच में होती है, फीमेल में एब्सेंट होती है, केवल मेल कॉकरोच में। और ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का में पाई जाती है, लेकिन इसका काम है एक्सक्रीशन करना। यूरिकोस ग्लैंड का काम है एक्सक्रीशन करना मेल कॉकरोच में, ये पाई जाती है, फीमेल में नहीं है, तो एक प्रकार से ये पहचान भी है। यूट्रिकुलर ग्लैंड की बात करें या मशरूम ग्लैंड की बात करें, तो ये अपने दोनों में पाई जाती है, बोथ मेल एंड फीमेल। किसका पार्ट है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा फेलिक ग्लैंड की बात करें, कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड की, तो ये भी दोनों में पाई जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है, मेल फीमेल में। और ये भी किसका पार्ट है, रिप्रोडक्शन का।
और कोलेट्रल ग्लैंड की बात करें तो ओनली फीमेल में पाई जाती है, ओनली फीमेल में पाई जाती है, ठीक है, ये फीमेल में, सॉरी फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम में पाई जाती है। इसके अलावा इंसेक्ट में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, जैसे कि मान लो मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्लैंड है स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड, ठीक है, ये क्या होती है, एक ओलेटाइल ऑयल छोड़ती है, जिससे क्या होता है, वो होता है फिरोमोन से क्या होता है, मेल अट्रैक्ट होते हैं, मेल को अट्रैक्ट करती है रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल ग्लैंड, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखो, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में होता है मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब होता है एक डायसिस। इंसेक्ट अपने जो लेयर होता है, तो इंसेक्ट जो लार्वा से लेकर अभी तक बड़ा हुआ है, तो अपने शरीर की जो लेयर है, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, एपिडर्मिस, क्यूटिकल्स, क्यूटिकल क्या होती है, ऊपर होती है एपिडर्मिस के, क्यूटिकल ऊपर होती है, और क्यूटिकल होती है इसकी बॉडी वाल की स्ट्रक्चर होती है। इंसेक्ट जिससे बना होता है वो काइटिन से बना होता है, बॉडी वाल बनी होती है काइटिन से। तो काइटिन एक जल्दी से डिग्रेड होने वाला पदार्थ नहीं है, यानी कि ये नॉन डिग्रेडेबल या मोस्टली नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है काइटिनियस। इसका स्केलेटन बना होता है, इसमें जो पैर पाए जाते हैं, इंसेक्ट में ज़्यादातर पैर पाए जाते हैं वो काइटिनियस होते हैं, जो विंग्स पाए जाते हैं वो भी काइटिन के होते हैं। इनके प्रत्येक खंड पर, इंसेक्ट के प्रत्येक सेगमेंट पर काइटिन की प्लेट्स पाई जाती है। ऊपर वाली प्लेट्स को अपन बोलते हैं टर्गम, नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं स्टर्नम, और साइड वाली प्लेट्स एक जो एक सेगमेंट है इंसेक्ट की बॉडी का, तो साइड वाले लेटरल जो है उनको बोलते हैं प्लूरोन, प्लूरोन दो होती है, ऊपर एक जो प्लेट पाई जाती है उसको बोलते हैं टर्गम, और नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं अपन स्टर्नम। तो चार प्लेटों से एक, जैसे एक कमरा होता है वैसे एक इसका सेगमेंट बना होता है इंसेक्ट का, वो प्लेट्स किसकी होती है, वो प्लेट काइटिन की होती है। और हेड में जो प्लेट्स काइटिन जो हेड में, हेड वाला पार्ट है कॉकरोच का, हेड वाला पार्ट है उसमें जो काइटिन का अंदर का जो एंडोस्केलेटन होता है, हेड का एंडोस्केलेटन मतलब अंदर की उसकी संरचना कैसी है, उसको अपन बोलते हैं टेंटोरियम। हेड की जो एंडोस्केलेटन होता है हेड का अंदर का, उसको बोलते हैं टेंटोरियम। और काइटिन से बना हुआ जो लास्ट बाहर का जो स्केलेटन पूरा सिस्टम, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है काइटिन से। इसके अलावा इसके ब्रेन में, ज़्यादा ब्रेन तो है नहीं, ब्रेन रिंग पाई जाती है, वहाँ पर एक पाया जाता है कार्पोरा एलाटा, ठीक है, एक होता है कार्पोरा कार्डियका, दो सेरिब्रल गेंगलिया होते हैं, ब्रेन के पार्ट हैं लेकिन इसमें ब्रेन नहीं होकर कुछ न्यूरॉन्स के गुच्छे बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सेरिब्रल गेंगलिया। तो कार्पोरा एलाटा और कार्पोरा कार्डिका दो पॉइंट है ब्रेन में जो कि सेरिब्रल गेंगलिया के पार्ट है। कार्पोरा एलाटा किस में मदद करता है, मोल्टिंग में, ठीक है, मोल्टिंग या एक डायसिस या मोल्टिंग का मतलब है कि मेटामोरफोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, लार्वा प्यूपा ऐसे कर रहे हैं। तो मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि अपनी त्वचा को त्याग कर, जैसे सांप कैंचुली त्यागता है वैसे ही इसमें अपनी लेयर्स को त्याग कर बड़ा होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोल्टिंग। और उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन उसमें मदद करता है, कार्पोरा एलाटा से क्या निकलता है, एक डायसिस हार्मोन निकलता है, इसलिए एक डायोसोन हार्मोन निकलता है। उससे कौन सी प्रोसेस होती है, एक डायसिस, और उससे जो त्वचा को त्यागते हैं उसको बोलते हैं निर्मोचन या मोल्टिंग बोलते हैं। कार्पोरा कार्डिका क्या करते हैं, इसका कॉकरोच, अगर बेसिकली अगर कॉकरोच की बात करें या कोई भी इंसेक्ट की बात करें, तो कार्पोरा कार्डिका क्या होता है, इंसेक्ट में क्या होता है, जो हर्ट होता है उसकी हर्ट बीट या हर्ट होती है वो कैसी होती है, हर्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हर्ट होता है। इसका मतलब अपना जो हर्ट है, अगर अपन सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे या फिर कुछ भी, वो चले जाएंगे कोमा में चले जाएंगे, इसका मतलब अपना न्यूरॉन सिस्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन अपना हर्ट फिर भी क्या है, हर्ट में धड़कन चलती रहती है, यानी हर्ट काम करता है। इसका मतलब अपना जो हर्ट है वो मायोजेनिक है, पेशीजनिक, तो पेशियों से चलता है, उससे दिमाग का कोई असर नहीं है, दिमाग और हर्ट का कोई संबंध नहीं है, यानी न्यूरॉन्स का, वो तंत्रिकाओं से नियंत्रित नहीं होता है, न उसको तुम बंद कर सकते हो न चालू कर सकते हो, वो पेशीजनिक है यानी मायोजेनिक है।
लेकिन कॉकरोच का हर्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। क्या होता है? न्यूरोजेनिक होता है, यानी कि तंत्रिका चलित, यानी ये किससे नियंत्रित होता है? ये होता है अपने मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, पेशी जनित नहीं है, तंत्रिका चलित है, तंत्रिका जनित है, इसका मतलब न्यूरोजेनिक। और ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो होता है मायोजेनिक, यानी कि पेशी जनित, पेशियों से चलता है। उसमें दो नोड होते हैं, एस ए नोड और ए वी नोड। एस ए नोड को अपन पेसमेकर बोलते हैं हार्ट में, तो हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए एस ए नोड पाया जाता है हार्ट में। हार्ट में और परकिंजे फाइबर पाए जाते हैं, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है। इनमें अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन में कार्पोरा इलाटा और कार्पोरा, तो आजकल क्या करते हैं मोल्टिंग के लिए, मोल्टिंग के लिए देखो कार्पोरा इलाटा है तो अपन किसी भी इंसेक्ट या लार्वा को अपन अगर कार्पोरा इलाटा डैमेज कर देंगे तो उसकी ग्रोथ आगे नहीं होगी। या इसको कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिसको अगर छिड़क दोगे तुम तो लार्वा खा लेगा, लार्वा खाने के बाद उसका क्या डैमेज हो जाएगा, कार्पोरा इलाटा डैमेज हो जाएगा, जिससे कि मोल्टिंग हार्मोन एक डायोसोन निकलता है तो वो डैमेज हो जाएगा, तो उसके बाद मोल्टिंग नहीं होगी अर्थात लार्वा ज़िंदगी भर लार्वा बना रहेगा या फिर मर जाएगा, जब उसका ग्रोथ रुक जाएगी तो मर जाएगा। जैसे एक एक इसमें फिप्रोनिल, एक है फिप्रोनिल, एक नया केमिकल है, अभी लेटेस्ट केमिकल है फिप्रोनिल, ये एक इंसेक्टिसाइड है। ये किस किस पे अटैक करता है? ये करता है कार्पोरा इलाटा पे अटैक करता है, और ये क्या करता है, इसकी मोल्टिंग्स को रोक देता है। तो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करना भी एक इंसेक्टिसाइड कंपनियों का उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा और भी बातें हैं बहुत सारी, जैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन की मैंने बता दी, इसके अलावा फैट बॉडीज पाई जाती है, ठीक है, फैट बॉडी पाई जाती है, और क्लोरोगोगन कोशिकाएँ, क्लोरोगोगन सेल्स पाई जाती हैं इंसेक्ट में, और इंसेक्ट में हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, ये 3-4 पार्ट होते हैं, ठीक है। आज व्यस्तता के चलते हुए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और भी दूसरे काम है बाकी, अगर क्लास अगर दिन में रही तो मैं आपकी क्लास दिन में भी ले लूँगा, ठीक है, अपनी बोटनी की या जूलॉजी की क्लास, ठीक है। तो अभी के लिए आप समाप्त करते हैं, एंटोमोलॉजी जितनी हो गई उतनी ठीक है यहाँ तक, उसके बाद जो अपन अगली वाली कोई एग्रीकल्चर में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी में इतना काफ़ी है, बाकी अपने स्तर से आप पढ़ते रहिए, और जो डाउट हो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।